हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और कल है करवा चौथ और आज मैं आई हुई हूँ अपने घर। जैसे कि आपको पता है कि मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो गई हूँ, तो फरीदाबाद से मैं कल रात में घर आ गई थी क्योंकि मुझे यहाँ मार्केट का कुछ काम था और मेहंदी भी लगानी थी, तो इसलिए मैं घर आ गई थी। और तो अभी मैंने जो है मेहंदी लगवा ली है, दोनों हाथों में मेरे मेहंदी लग चुकी है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने दोनों हाथों में अपनी मेहंदी लग गई है। और अब बस सूख भी गई है, बस झड़ रही है। इसे थोड़ी देर में मैं उतार दूंगी क्योंकि मिट्टू भी है और मम्मी मिट्टू जो है मम्मी पापा को बहुत दुखी परेशान कर रहा है, तो इसलिए मुझे मेहंदी अब उतारनी पड़ेगी जल्दी ही। और कल है करवा चौथ, तो कल सुबह मैं मॉर्निंग में निकल जाऊँगी मेरठ के लिए। और कल मैं मेरठ पहुँच जाऊँगी और करवा चौथ में मेरठ बनाऊंगी। तो करवा चौथ, होई, दिवाली सब मैं मेरठ बनाऊंगी। तो करवा चौथ का जो ब्लॉग है वो आपको मिलेगा मेरठ में कल पहुंचकर। और तो मैं आपको मिलती हूँ अब कल सुबह मॉर्निंग में मेरठ जाते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आप भी मेहंदी लगवा लें। सुबह हो गई है और मैं और अद्विक जो है निकल गए हैं मेरठ के लिए। और यहाँ पर देखो, अद्विक को धूप लग रही है तो वो बार बार आँख अपने चेहरे पे से हाथ रख लेता है, उसके चेहरे पे धूप आती है। तो और मैं और अद्विक जो है अकेले जा रहे हैं। ये है मेरठ हाईवे, नोएडा से जो मेरठ हाईवे है हम उसी से गए थे। ये हाईवे से जल्दी पहुंच जाते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इस हाईवे से। बहुत ही ग्रीनरी 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 सब बहुत हरा भरा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ 1-1.5 घंटा लगा था मेरठ आने में। उसके बाद मैं आते ही तुरंत ही तैयार होने के लिए लगी थी। तुरंत ही मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, साड़ी बांधी और उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया था। मेकअप में कुछ नहीं किया, सबसे पहले प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद में बीबी क्रीम के साथ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिक्स करके वो लगाया, और उसके बाद ये लाइट आई शेडो मैंने लगाई अपने आँखों पर, और उसके बाद बस अपने लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, और कान में मैंने ये आर्टिफिशियल झुमकी हेलो पहनी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, अपना साड़ी वगैरह सब पहन के बिल्कुल सिंपल हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अपना गले में बस ये है और अपना ये है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, सब चीज़ देख ही रहे हो। बहुत सिंपल सा मेकअप किया है मैंने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, कुछ नहीं लगाया, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस बीबी क्रीम यूज़ की है, उसके अलावा और कुछ नहीं लगाया है। प्राइमर लगाया है बस, और थोड़ा कॉम्पैक्ट लगाया है बस। और चलो अब हम मिलते हैं, अब हम करनी है पूजा, तो फिर की कथा, तो हम आपको कथा के टाइम पे मिलते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे घर पे है ना, कथा जो है हमारे घर पे ही होती है करवा चौथ की। सब लेडीज़ है साथ में मिलके करती हैं। लेडीज़ देखिए, आप देखिए सब साथ में बैठी हुई हैं यहाँ पर, मिलकर सब लोग अपन कथा करती हैं। सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर कथा करी थी। मतलब एक जो क्या होता है ना, एक लड़की को बुला लेते हैं और वो लड़की सबको कहानी सुना देती है, तो सब साथ में सुन बैठ के कहानी सुनते हैं। और सब आंटियाँ जो हैं वो बहुत सुंदर लग रही थी, और सब ने अपनी अपनी शादी के जोड़े जो होते हैं उनकी जो चुन्नियाँ होती हैं वो चुन्नियाँ ओढ़ी हुई थी, क्योंकि शगुन होता है, अच्छा होता है कि शुभ होता है अपनी शादी के जोड़े का जो हो वो ओढ़ना। यहाँ पर मैंने भी अपनी शादी के लहंगे की चुन्नी ओढ़ी हुई है, और अद्विक जो है हम सबके बीच में बैठा हुआ था, वो सबके बीच में बैठकर सब घूम रहा था इधर उधर से और अपना पूरा एंजॉय कर रहा था। अद्विक भी देख रहा था कि क्या हो रहा है, और उसको यहाँ पर जो चावल होते हैं ना वो चावल ले रहा था, उसको चावल खाने थे क्योंकि चावल चावल और जो धूप घास होती है वो हाथ में लेके कथा सुनते हैं, तो वो बाद में अपने जो दुपट्टा होता है साड़ी का पल्ला होता है उसमें गांठ बांध लेते हैं, तो शाम को जब अर्घ देते हैं चांद को तब उसकी तब उसको साथ में खोल के देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब कथा सुन रहे थे। दीवार चार बात करते हैं, दीवार चार के छलनी ढक ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उठ गया है, देख ले। ऐसी कथा सुनने में ना बहुत मज़ा आता है जब सब साथ में बैठ के ऐसे कथा सुनते हैं, तो सब लोग साथ में बैठ के ऐसे कथा सुनते हैं। यहाँ पर मतलब करवा चौथ की कथा भी होती है और एक कहानी और होती है, वो गणेश जी की, भगवान जी की कहानी होती है, वो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर खीर वाली। अगर किसी ने सुनी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, जिसमें गणेश जी जो होते हैं वो खीर और बनवाते हैं एक बुढ़िया के घर जाकर,
और बहुत सुंदर कथा कहानी लगती है वो मुझे। और अद्विक को आप देख सकते हो, सब सबके पास जाकर जा रहा था, सबको कुछ ना कुछ दे रहा था और देख रहा था कि क्या हो रहा है। अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, कथा हमने कर ली है, दोपहर में पूजा हमारी हो गई है और मैंने जो है साड़ी चेंज कर ली है, सूट पहन लिया क्योंकि खाना बनाना था तो इस वजह से। और मैं अभी बना रही हूँ पनीर, ये देखिए अभी बना रही हूँ पनीर। यहाँ पर अभी प्याज जो है वो भून रही है, प्याज भून रही है और पनीर बनेगी, खीर बनेगी, पूरी बनेगी, ये बनेगा। हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, बहुत लोगों के यहाँ कच्चा बनता है। कच्चा मतलब जैसे कि चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, इस तरीके से हमारे यहाँ पूरी बनती है। तो हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है तो हम इसलिए पक्का खाना बनाएंगे, जिसमें हलवा पूरी वगैरह बनती है। और अभी मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ, खीर जो है वो मम्मी बनाएंगी क्योंकि मम्मी खीर टेस्टी बनाती है, इसलिए तो खीर मम्मी बनाएंगी। और अद्विक जो है अभी सो रहा है, देख सकते हो वो सो रहा है अद्विक। तो सूट मैंने चेंज कर लिया है नॉर्मल, क्योंकि सूट में ना क्या होता है ना, साड़ी में ना काम नहीं होता है घर का, सूट में ना घर का काम हो जाता है आराम से, फिर दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। तो मैं अभी खाना वाना बना के सारा काम खत्म करके उसके बाद दोबारा साड़ी पहन लूँगी क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ साड़ी बांधनी है तो दोबारा बांध लूँगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसी। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में खाना बनाकर। जो है मैं अपनी शाम की पूजा कर रही थी। जब शाम को जो है खाना बनाने के बाद खाना पूजता है, जो कपड़े आप देते हो अपनी सास या ससुर को, और जिसको भी आप करवा चौथ देते हो उसके कपड़े पूजे जाते हैं। मैं अपनी जो करवा चौथ है अपनी सास को देती हूँ, तो उन्हीं का मैंने सूट और खाना पूज कर दिया था, उनको ही देते। तो यहाँ पर मैं वही पूजा कर रही हूँ और अद्विक भी जो है यहाँ बदमाशी कर रहा है, आदमी को माचिस चाहिए, तो यहाँ पर मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ और अपना खाना पूज रही हूँ। उसके बाद ही खाना जो है मैं अपनी सास को दे दूँगी, अपनी मम्मी जी को दे दूँगी, वो ही खाना खाएंगी। और इसमें मम्मी जी का सूट है, वो सूट मैं उनको दे दूँगी। और यहाँ पर अद्विक जो है वो फोन रखा हुआ था तो उसे छेड़ रहा था, तो मैं उसे रोक रही थी, बेटा इसको नहीं छेड़ो, देखो वो पूरी यहाँ पर लगा हुआ था कि मैं इसे ले लूँ हाथ में, और मैं क्या इसको यहाँ पर बैठा रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा इसको नहीं छेड़ो, और अद्विक को हो रहा था जुकाम तो इस वजह से उसकी नोजी निकल रही थी। अब चांद जो है वो निकल चुका था और अर्घ देने का टाइम आ गया था, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे इस टाइम तक। तो अब मैं यहाँ पर चांद को मैंने अर्घ दे दिया था, साड़ी बांध ली थी मैंने दोबारा से, और मैंने अब चांद को यहाँ पर अर्घ दे दिया है। और उस हस्बैंड जो है मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, वो सब सामान लेके आ रहे हैं, पानी और मेरी जो थाली है वो लेके आए थे, और दूर जाके खड़े हो गए थे। मैंने बोला उनको, मैंने कहा थोड़ा पास आके खड़े हो जाओ, इतनी दूर थोड़ी ना देख लूँगी आपको। तो फिर उसके बाद पास में आके खड़े हुए, फिर पहले मैंने चांद किया, पूजा की, उसके बाद मैं अपने छलनी में अपने हस्बैंड को देखा और चांद को देखा, और उनसे के साथ इस थोड़े से हंसी मजाक भी कर रही थी मैं यहाँ पर। और बस उसके बाद हमने ये पूजा करी और उन्होंने मेरे को पानी पिलाया। मेरे बहुत प्यास तेज लग रही थी, भाई सबको प्यास लगती है इस टाइम बहुत तेज, तो प्यास लग रही थी तो मैं पूरा एक गिलास पानी पी गई, मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, काजू कतली लेके आए थे मेरी फेवरेट, और उसके बाद मैंने उनके पैर छुए। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके पैर छूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज उनके पैर छुए, वो मना भी कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आज जो है नेक्स्ट डे है, कल रात को जो है हमने चांद देखने के बाद उसके बाद जो है खाना खाने में बैठी ही थी, इतने में जो है अद्विक की तबीयत ख़राब हो गई, उसको वोमिटिंग हो गई, तो उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इस वजह से मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई, आगे कुछ भी शूट नहीं किया। आज उसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, अब उसको काफ़ी आराम है, काफ़ी रिलैक्स है वो, मतलब अभी खेल रहा है आराम से। कल उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। अब रात का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा कि उन्हें ब्लॉग को एंड कर दूँ, मैंने ब्लॉग एंड भी नहीं किया। तो बस ये था मेरा एक छोटा सा करवा चौथ का व्लॉग, तो अब आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा है आपको। और आगे आपको अब नेक्स्ट जो व्लॉग मिलेगा वो होई का व्लॉग मिलेगा। हमारे यहाँ जो है होई भी होती है, जो हमारी साइड के होंगे उन लोगों को पता होगा कि होई अष्टमी का भी व्रत होता है। होई अष्टमी का व्रत जो होता है वो बच्चों के लिए करते हैं, तो अब जो है होई अष्टमी का व्रत होगा, तो अब जो व्लॉग आपको मिलेगा वो होई अष्टमी का मिलेगा। उससे पहले अगर हुआ तो मैं कोई व्लॉग बनाऊंगी तो मैं डालूंगी, नहीं तो होई अष्टमी का बनाऊंगी। आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादा व्लॉग बनाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम व्लॉग बनाती हूँ, मैं सिर्फ मेन मेन चीज़ों के कुछ फंक्शन है कुछ है तो उसी का व्लॉग मैं बनाती हूँ, वही डालती हूँ।
तो इसलिए मेरे जो व्लॉग हैं वो बहुत लेट लेट जाते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती यार, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है तो मैं इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, और पर मुझे इस चीज़ का शौक है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। और बस यही है, आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं प्लीज़। तो बस मैं आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।